उन्हें इतिहास में विवेकानंद की आलोचना करने वाली पहली भारतीय नारीवादी महिला के रूप में जाना जाता है। उनकी बुद्धिमत्ता देख ब्राह्मणों ने उन्हें सरस्वती की उपाधि दी थी। बाद में उनकी मुखरता देख वे सभी खिलाफ हो गए। उनके नाम पर शुक्र ग्रह के एक क्रेटर का नाम भी रखा गया है। पंडिता रमाबाई से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा शिकागो धर्म सभा से जुड़ा हुआ है। अमेरिका प्रवास के समय ही पंडिता रमाबाई ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। भारत वापसी के बाद रमाबाई ने शारदा सदन की मुखिया के तौर पर महाराष्ट्र में काफी काम किया। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। औरतनामा के इस अंक में हम बात कर रहे हैं पंडिता रमाबाई की, जिन्हें भारतीय इतिहास में नारीवादी ही नहीं सुधारवादी महिला भी माना जाता है। उन्होंने महिलाओं के लिए महिला आर्य समाज की शुरुआत भी की थी। पंडिता रमाबाई से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा शिकागो धर्म सभा से जुड़ा हुआ है। जब स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की महानता पर लेक्चर दिया, तब रमाबाई की अगुवाई में कई महिलाओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि स्वामी जी ने भाषणों में महिलाओं की अनदेखी आखिर क्यों की। इस भाषण के विरोध में रमाबाई ने लिखा, मैं अपनी पश्चिमी बहनों से गुजारिश करती हूँ कि वे बाहरी खूबसूरती से संतुष्ट ना हो। महान दर्शन की बाहरी खूबसूरती पढ़े लिखे पुरुषों के बौद्धिक विमर्श और भव्य प्राचीन प्रतीकों के नीचे काली गहरी कोठरियां हैं। इसमें तमाम महिलाओं और नीची जातियों का शोषण चलता रहता है। अमेरिका प्रवास के समय ही पंडिता रमाबाई ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। इसी समय उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब लिखी थी, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, जिसमें बाल विवाह, सती प्रथा, जाति और ऐसे ही तमाम मुद्दों को उठाया गया था। भारत वापसी के बाद रमाबाई ने शारदा सदन की मुखिया के तौर पर महाराष्ट्र में काफी काम किया। कर्नाटक के गुलबर्ग में स्कूल खोला, आजीवन विधवाओं के उत्थान के लिए काम करती रहीं। यूरोपियन चर्च उनकी याद में 5 अप्रैल को फीस डे मनाते हैं। भारत की सरकार ने भी रमाबाई के नाम पर डाक टिकट जारी किया है। उनका बनाया पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन आज भी सक्रिय है।